ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1932 में कराए गए भूमि सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति डोमिसाइल पॉलिसी तय करने का मुद्दा झारखंड में एक बार फिर गर्म है। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने इसे लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, तो वहीं आज रांची में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने घेरवा कर दिया। जयराम महतो की अगुवाई में सोमवार को आंदोलनकारी प्रदर्शन कर विधायकों और सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास किया गया। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने घेरवा कर दिया। आंदोलनकारी प्रदर्शन पर कर विधायकों और सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दिया जाए, प्रदर्शनकारियों ने झारखंड विधानसभा का घेरवा करने का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें पुलिस ने राजधानी के आउटर रिंग रोड पर होटवासी के पास रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उन्होंने रिंग रोड के पास उतनी विशेष रणनीति नहीं थी, लेकिन हमने पहले का युद्ध विराम युद्ध चलता रहेगा जब तक खतियान की बात नहीं होगी। तो हम लोग पहले कहें कि हिटलर साहब भले बुरे आदमी थे, एक चीज कहा था कि खाली पेट युद्ध नहीं लड़ा चाहता है, तो हम लोग युद्ध करेंगे, फिर नृत्य रणनीति बनाएंगे, फिर युद्ध करेंगे, लेकिन लड़ाई यह तो वचनबद्ध है। चाहे झारखंड को नक्शा से क्या परिणाम कुछ भविष्य क्या हो, हजारों सीने में गोलियां क्यों नहीं खानी पड़े, खतियान पर हम लोग अड़ी है, क्योंकि नहीं तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा, झारखंड नष्ट हो जाएगा, झारखंड की पहचान मिट जाएगी। तो हम लोग 32 पे अड़ी है, दो दिन डिले, 28 साल बाद झारखंड लिया है, तो इसलिए आक्रामकता उग्रता की आवश्यकता नहीं है। हम लोग संवैधानिक स्तर से लेंगे, युद्ध विराम युद्ध के साथ हमारी रणनीति है। बड़ी बात कही कि प्रशासन से हमें लड़ना नहीं है। नहीं, हमने तो पहले कहा है, आखिर ये तो मेहुल चौकसी नहीं है, ये तो राहुल मोदी नीरव मोदी नहीं है जो देश का अरबों रुपया लेके भागे हैं। ये भी कोई 60,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 30,000 की कर रहा है, अपना परिवार पढ़ा रहा है, कोई बच्चा पढ़ा रहा है, कोई रोजी रोटी के, मतलब इनका ये तो कोई ऐसे लोग नहीं जिन्होंने देश को, जिन्होंने कहा है, हम स्पष्ट कहते हैं कि जो ईमानदार उनको नमन है, जो बेईमान उनको खुल के कहते हैं, पेपर कटिंग के साथ कहते हैं कि झारखंड के आईपीएस की संपत्ति बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है वो आप जाने, आप क्या जाने, कोयले की कमाई से बढ़ रही होगी, ये तो हम खुल के कहते हैं कि पेपर कटिंग है। तो जो लोग ईमानदार है उनका सम्मान भी करते हैं, जो बेईमान है उनका विरोध भी करते हैं। अब ये ज्ञापन देने को आगे क्या रणनीति होगी, आगे की रणनीति फिर हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, फिर आगे ज्ञापन देने के बाद अभी आप लोग चले जाएंगे। हम लोग चले जाएंगे। ये क्या बोल के यहाँ लाया गया था और फिर जाने लगे? नहीं, यहाँ बोल के ज्ञापन के लिए आया था, लेकिन चूंकि पब्लिक पीछे है और हम लोग इधर हैं, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में ज्ञापन दिया जाए।